और सैनिक की चिट्ठी। हम यहाँ आजाद बैठे हुए हैं, इसलिए इस आजादी के ऊपर हमारे कई जवानों की जान गई है, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। ऐसे ही मैं एक घायल सैनिक की दास्तान आपको सुनाना चाहता हूँ। वो घायल सैनिक सर्वप्रथम अपनी माता को एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में क्या लिखता है कि माँ, तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, देख इसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, तो रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ, उसी स्वर्णित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, मगर ना इंच ही पीछे हटा हूँ। माँ, तुम्हारी थी कसम, मैं आज इंचों में कटा हूँ। तो एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ, कसम जो दी थी तुमने, आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है माँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। तो कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शहदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। वाह बेटा वाह, अरे कोई ये ना समझो माँ, ये ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, ये ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। वाह 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 वाह। ऐसे वो एक चिट्ठी अपने पिता को भी लिखता है। वैसे तो हर पिता का एक सपना होता है कि उसकी बेटी, उसकी अर्थी उसके बेटे ही कंधों पर जाए, पर उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसकी अर्थी उसके बेटे, जब उसके बेटे की अर्थी उसके कंधों पर जा रही होगी। आइए उस पिता के दुख को जानते हैं कि जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। वाह वाह वाह। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां से ले चुका हूँ। तुम सदा कहते ना थे ये ऋण मुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का करने पाया, तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृण को भरने पाया। वाह बेटा वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यीशु तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। वाह बेटा वाह, वेरी गुड। ऐसे ही वो एक चिट्ठी अपने भाई को भी लिखता है कि सुन अनुज, रणवीर बोली बह में जब यहाँ समाई, ओ मेरी भाई भुजा, उस वक्त तेरी याद आई। अब मैं बाहों से तुम्हें आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पढ़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़। वाह बेटा वाह, वेरी गुड। अब तुम्हें को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट इसके बाद के पीछे कम पड़ रही है, पर जोरदार तालियां। ऐसे ही वो एक शिक्षक अपनी पत्नी को लिखता है कि वो घायल सैनिक अपनी पत्नी से कुछ देता नहीं है, अपनी पत्नी से कुछ मांगता है, और वो क्या मांगता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निश्चय से मांगता हूँ, तुम अमर सुहाग की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनना, पांव में मेहंदी रचाना। दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज में ये सब मानने के योग्य नहीं है, पर फिर भी वो घायल सैनिक अपनी पत्नी से ये सब क्यों मांगता है कि तुम नहीं वैष्णव की प्रतिमूर्ति की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न को सुलझेना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे, पूछते होंगे ही पापा है कहाँ, कब आएंगे, कब हमें साथ लेकर घूमने को जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं, कब तुम उन्हें समझाना, अब तुम उन्हें समझाना कि ज्यादा है कहाँ, कब आएंगे, कब तुम उन्हें समझाना कि ज्यादा जिद पर अड़ जाते नहीं है, कब तुम उन्हें समझाना कि ज्यादा जिद पर अड़ जाते नहीं है, जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं। मैं यहाँ कुल
अब तुम्हें को सौंपता हूँ, मैं दुश्मन की गोली बंद प्रथम से रोकता हूँ और मैं दुश्मन की गोली बंद प्रखर को रोकता हूँ। तुम अकेली हो नहीं, अकेली हो नहीं, तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने ना देना। तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने ना देना। उन घरों के दुख से हृदय आंख को रोने ना देना। वाह 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 वाह, आंख को रोने ना देना। सप्त पथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्त पथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सात जन्मों तक बचो भी तुम हमें वैरागिनी हो। इसलिए तो अधिकार तुमसे, इसलिए तो अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, इसलिए तो अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा मस्त भू को दे रहा हूँ। दोस्तों इस लड़के की कविता के आगे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल छोटी पड़ गई है। न दौलत पे गर्व करते हैं न